एंड जय स्वामी नारायण। टुडे वी स्टार्ट विथ फिक्स्ड एंड कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। अवर सब्जेक्ट इज एस ए वन स्ट्रक्चरल एनालिसिस वन। ओके, इसमें आप जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है वो रिफर करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो इसमें ये चैप्टर में क्या है कि अब तक आपने जो सपोर्ट रिएक्शन चैप्टर पढ़ा, सपोर्ट रिएक्शन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ लोड कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट कौन से हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स कौन से हैं, वो सब आपने पढ़ा। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में रोलर सपोर्ट, हिंग सपोर्ट, देन फिक्स सपोर्ट, वो सब आपने पढ़ा। उसमें कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं वो पढ़ा। ओके, देन टाइप्स ऑफ लोड में थ्री टाइप्स ऑफ लोड्स आर दैट, तो उसमें यूडीएल है, यूबीएल है, पॉइंट लोड है और कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। ओके, तो यूडीएल में क्या है, पूरे बीम पे ओवरऑल लोडिंग आता है। दैट मीन्स वो जो भी आपका बीम होता है उस पे सेम लोड आता है। ओके, दैट इज कॉल्ड यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देन यूवीएल, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है वहां पे लोड क्या होगा, जीरो होगा, बट जब भी डिस्टेंस थोड़ा आप ज्यादा लेते हो, ओके, जो भी आपने प्रोपोर्शन लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आप इतना बढ़ाते हो, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर स्पान का बीम है, तो 10 मीटर स्पान में 2 मीटर पे 2 मीटर पे आपके पास 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर पे आपके पास UVL है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 2 मीटर डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 0.22 मीटर पे हम लेंगे, तो क्या होगा, उसमें 0.22 मीटर पे लोड बढ़ता जाएगा। ओके, और आपको एक लोड इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, तो आपके पास अलग अलग डिस्टेंस पे, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी जीरो होती है, और जब भी आप डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाते हो, दैट मीन्स बीम में आगे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, डिस्टेंस आगे आगे डिस्टेंस आप लेते जाते हो, उस टाइम आपका लोड बढ़ता जाता है इक्वली, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वो सब आपने पढ़ा। देन नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने, टाइप्स ऑफ बीम्स। तो टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी रह गया है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड दैट मीन्स जो भी वर्टिकल लोडिंग आता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड। देन टाइप्स ऑफ बीम्स आपने पढ़ा, तो टाइप्स ऑफ बीम में फिक्स बीम है, तो किस जगह पे, किस बीम के एंड पे कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, उस पे डिसाइड होता है कि ये किस टाइप का बीम है। फॉर एग्जाम्पल दोनों दो सपोर्ट है बीम के, तो वहां पे आपने सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। एक साइड पे आपने रोलर प्रोवाइड किया है, ओके, तो एक साइड दोनों साइड रोलर प्रोवाइड किया है, तो दैट इज कॉल्ड अलग अलग टाइप के बीम आते हैं, रोलर सपोर्ट भी होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ बीम्स में क्या आएगा, फर्स्ट दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, देन नेक्स्ट वन इज फिक्स बीम है, तो फिक्स बीम दैट मीन्स उसका इंडिकेशन होता है, वो हम बोर्ड पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लोडिंग में कौन कौन सा लोडिंग आता है। ओके, और कौन कौन से सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं बीम के एंड पे, वो हम पढ़ेंगे, उस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का बीम है। ओके, तो आपको क्या करना है, दोनों एंड पे फॉर एग्जाम्पल फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो आपको वो फिक्स बीम उसको बोल सकते हैं। देन हिंज सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोवाइड किया है, तो इट डिपेंड्स ऑन, फॉर एग्जाम्पल बीम है तो एक जगह पे आप रोलर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो, हिंज सपोर्ट पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम, देन नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम, थर्ड वन क्या आएगा, थर्ड वन में आएगा कैंटिलीवर बीम, दैट मीन्स वन एंड पे फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया होता है और अनदर एंड पे कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो आप उस बालकनी एक एग्जांपल के हिसाब से आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल बालकनी है, तो बालकनी में नीचे फॉर एग्जांपल कॉलम प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप उसको बोल सकते हो दैट इज कैंटिलीवर बीम। देन प्रॉप कैंटिलीवर बीम, दैट मीन्स वन एंड पे आपने क्या प्रोवाइड किया है, फिक्स बीम, और सेकेंड एंड है वहां पे आपने क्या प्रोवाइड किया है, सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉप कैंटिलीवर। फॉर एग्जाम्पल बालकनी है, नीचे वन एंड पे वन एंड फिक्स है, और दूसरा जो एंड है वहां पे आपने क्या प्रोवाइड किया है, सिंपल सपोर्ट या कॉलम प्रोवाइड किया है। ओके, तो आप उसको प्रॉप कैंटिलीवर बीम बोल सकते हो। देन कंटिन्यूस बीम, दूर से ज्यादा स्पान हो
और दो से ज्यादा बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। ओके देन ओवर हैंगिंग बीम, दैट मीन्स आप तो ऐसा बोल सकते हो कि ओवर हैंगिंग बीम में दोनों एंड पे फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग है तो सिमेट्रिकल बीच में कॉलम प्रोवाइड किया है पर एंड पे, और बीच में सपोर्ट प्रोवाइड किया है पर एंड में सपोर्ट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ बालकनीज। ओके तो उसको क्या बोलते हैं, तो ओवर हैंगिंग बीम ऑन बोथ द साइड। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड में प्रोवाइड किया है, राइट हैंड में सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है, तो राइट हैंड ओवर हैंगिंग बीम उसको बोलेंगे। लेफ्ट हैंड पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है, राइट हैंड पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है, लेफ्ट हैंड पे नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड ओवर हैंगिंग बीम। तो टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में क्या आएगा, फिक्स सपोर्ट आएगा, रोलर सपोर्ट आएगा, हिंज सपोर्ट आएगा। ओके तो ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट आएगा, ये सब टाइप्स ऑफ लोड्स है। तो उसमें कौन कौन से रिएक्शन आते हैं तो वो भी हम बोर्ड पे देखेंगे, बट आई विल स्टार्ट विथ दिस फिक्स एंड कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। इसमें क्या है कि जो आपने सपोर्ट रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था वो, और दूसरा आपने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला जो चैप्टर पढ़ा था वो दोनों इंक्लूडेड है, वो दोनों आएगा तो ही इसमें आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा। ओके तो इसमें क्या है, हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस में फाइंड आउट किया था, ओनली आपने कैंटिलीवर बीम में, ओवरहैंगिंग बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में, उसमें ही आपने जो भी रिएक्शंस वगैरह है वो फाइंड आउट किया था। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट उसमें ही आपने फाइंड आउट किया था, आपने फिक्स बीम में ये सब फाइंड आउट नहीं किया है। तो इस चैप्टर में वो फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके तो फर्स्ट वन इज वॉट टू अंडरस्टैंड बाय फिक्स बीम। ओके ए फिक्स बीम इज ऑल्सो नोन एज ए बिल्टिंग और रिस्ट्रेन और एनकेस्ट्री बीम। ओके इन केस ऑफ ए फिक्स बीम द एंड्स आर कंस्ट्रेन्ड एट द सपोर्ट्स सो दैट द स्लोप्स एट द सपोर्ट्स रिमेन जीरो व्हेन द बीम इज लोडेड। तो आपको आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि कोई बिल्डिंग है तो कॉलम के ऊपर कॉलम आएगा, बीच में बीम है। ओके तो दैट इज कॉल्ड फिक्स बीम, आप उसको बोल सकते हो, बिकॉज जो भी बीम है उसके ऊपर और नीचे कॉलम प्रोवाइड किया है, तो उसको आप फिक्स बीम बोल सकते हो, वो बीम को आप फिक्स बीम बोल सकते हो, बिकॉज वहां पे क्या आएगा, स्लोप हमेशा जीरो रहेगा। ओके जो भी बीम पे लोडिंग आता है उसकी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। In order to satisfy this condition, restraining moments will be induced at each end. Okay, तो ये condition provide करने के लिए हमें restraining moments will be induced at each end. That means, for example, A fixed beam is also known as a built-in or restrained or anchored beams. In case of fixed beam, the ends are constrained at the supports so that the slopes at the supports remain zero when the beam is loaded. आपने fixed beam में क्या है कि जो भी हमें मोमेंट्स मिलती है उसको बैलेंस करने के लिए रिजल्टेंट मोमेंट भी मिलती है, तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन द रिस्ट्रेनिंग मोमेंट्स विल बी इंड्यूस एट ईच एंड। तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिस्ट्रेनिंग मोमेंट और रिजल्टेंट मोमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा ईच एंड पे। ओके देयर विल बी फोर रिएक्शंस कंपोनेंट्स एट द एंड्स, VA, MA, VB, MB, okay. VA that means vertical reaction at support A, MA that means moment at A, then VB that means vertical reaction at support B, and MB that means moment at point B or support P. For vertical system of loading, only two equations are available from the static equilibrium condition. तो क्या आएगा, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो, हैंस द फिक्स बीम इज स्टेटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट टू सेकेंड डिग्री। दैट मीन्स आपके पास चार आपको चार वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन दो ही है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, सेकेंड डिग्री इनडिटर्मिनेंट स्टेटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट बीम उसको बोल सकते हैं, फिक्स बीम को। ओके
उसमें दो इक्वेशन और चाहिए, वो जो भी आपके पास वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए दो और आपको क्या चाहिए होगा, इक्वेशंस चाहिए होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिक्स बीम। एडवांटेजेस, ए फिक्स बीम हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर अ सिंपली सपोर्टेड। द बीम इज स्टीफर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल। द स्लोप एट बोथ द एंड्स इज जीरो, हमने आगे भी डिस्कस किया। द फिक्सिंग मोमेंट्स आर डेवलप एट द टू एंड्स हुज इफेक्ट इज टू रिड्यूस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम। दैट मीन्स आपके पास फिक्सिंग मोमेंट, अपने फिक्सिंग मोमेंट्स आर डेवलप एट टू एंड्स, दो एंड्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्सिंग मोमेंट डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी सेंटर में बेंडिंग मोमेंट आता है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो रिड्यूस होगा। देन द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर इज वेरी मच रिड्यूस, दैट मीन्स सेंटर पे जो भी डिफ्लेक्शन आता है वो रिड्यूस होता है। ओके okay? तो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, बोथ द एंड्स ऑफ द बीम्स मस्ट बी एट द सेम लेवल। इफ देयर इज डिफरेंस इन लेवल ऑफ द टू सपोर्ट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन द बीम। दैट मीन्स एक सपोर्ट ऊपर है और एक सपोर्ट नीचे है। ओके तो दैट मीन्स लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स आर देयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसमें क्या होगा, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस होगा बीम में। ओके तो उसका ये डिसएडवांटेज है, दैट मींस एक लेवल पे ही आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस इन द बीम ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होगा तो जो भी स्ट्रेसेस है बीम में वो भी प्रोड्यूस होगा। द फिक्सिटी ऑफ द बीम इज रिड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। ओके द फिक्सिटी ऑफ द बीम जो भी है वो रिड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। बीम का जो फिक्सिटी होता है, जो सपोर्ट पे फिक्स होता है, वो रिड्यूस्ड होता है। ओके बीम कहाँ पे अटैच होता है, कॉलम पिलर है वहां पे अटैच होता है, या आप ब्रिज ले लो तो ब्रिज में भी फॉर एग्जांपल स्लैब वगैरह जो भी अटैच होता है वो क्या पिलर पे अटैच होता है। तो यहाँ पे बीम की बात है तो फिक्सिटी ऑफ द बीम वो किस पे डिपेंड होता है, फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन वगैरह आया तो जो भी कॉलम या पिलर है उसके साथ जो भी फिक्सिटी है वो रिड्यूस होगा। ओके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द बिग फिक्स बीम में नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर टू एडिशनल इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फिक्स बीम। वेरियस मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग द फिक्स बीम आर मोमेंट एरिया मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड दैट इज मैकुलर्स मेथड, एंड मेथड ऑफ सुपर पोजिशन दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, एंड थियरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। पढ़ेंगे हम थियरी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए फिक्स बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड। उसमें हम कौन से मेथड यूज करते हैं, एरिया मोमेंट मेथड और मोमेंट एरिया मेथड ऐसा भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम द बिग फिक्स बीम एज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दैट मीन्स आपको फिक्स बीम दिया है, मैं एग्जाम्पल में आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगी। जो भी हमारे पास फिक्स बीम है विद सेंट्रल पॉइंट लोड, तो उसमें फर्स्ट बीम को आपको, फर्स्ट बीम जो भी है फिक्स बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड जो भी है, तो उसको आपको सिंपली जो सपोर्ट्स है उसको सिंपल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना है और सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करना है और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। दैट इज कॉल्ड म्यू डायग्राम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए beam with only end moments MA and MB. This bending moment diagram is called the mu dash diagram. That means दूसरा जो diagram है उसमें simply fixed beam ही आएगा, okay, fixed support ही आएगा, दूसरे बीच में कोई point load वगैरह कुछ अभी लेना दूसरे beam में consider नहीं करना है, okay? और उसको क्या बोलते हैं, mu dash diagram. It is also called the fixed bending moment diagram. आपके पास formula है area of mu diagram plus area of mu dash diagram is equal to zero. अभी next जो भी एग्जाम्पल है वो हम बोर्ड पे देखेंगे। ओके okay?